मालूम था मुझे। घबरा के अपने बॉस से मिलने के लिए जा रही है। जितना शातिर ये खुद को समझती है ना, उतनी है नहीं। चलो। बॉस, और नहीं सोऊंगी मैं, मुझसे और नहीं होता। पता नहीं क्या डाला था केक में, उसके बाद मुझे ऐसा नशा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, मुझसे और नहीं होगा, मुझे माफ करो। सत्या, सत्या तुम ठीक तो हो ना? हाथ से निकल गया और उसकी निशानी हाथ लग गई। अब ये लॉकेट हमें उस बॉस तक पहुंचाएगा। मैं क्या करती बॉस, मैं डर गई थी। आज तो उन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाई है, कल को जहर मिला दे तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। और कहीं मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मैं। ये क्या करे, मुझे दर्द और आप बॉस। मैं समझ गई, मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी और मैं आपको बिना बताए फोन भी नहीं करूंगी। मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। ये सत्या जिसने ये गलती की और उसे इस घर में लेकर आया, उसे मैं मोहरा बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी। आपका काम हो जाएगा बॉस, हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है कि करीना की झूठी शादी की जाए। कहीं ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, सदमा बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे हम, कितना खतरनाक होगा ये सब बेचारे के लिए। और लड़का, इस झूठी शादी के लिए लड़का कहां से आएगा? बात तो बुआ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब भी खतरा कौन सा कम है। हालात तो अब भी खराब ही है ना। करीना की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। आप पे हमला कर सकती है, माही पे हमला कर सकती है, मुझ पे हमला कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है ना खुद को। हमें कुछ तो करना होगा। और वो पढ़ा लिखा डॉक्टर कुछ सोच के हमें कुछ कह रहा है करने के लिए, करके देख लेते। रही बात दूल्हे की, जब इतना सोच रहे हैं तो वो भी सोच लेंगे। पर करण, पर क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि एक पागल के लिए इतनी खप क्यों पड़ी हुई है घर में। एक्सपेरिमेंट करने के लिए यही घर मिला है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगी यहाँ पे। वो पागल है, जाहिल है, गवार है, जल्दी है, उसे वहां भेजो जहाँ उसकी जगह है, पागल खाने। हरकतें तो आपकी भी पागलों वाली है। कर रहे हैं ना आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट। भेजा क्या आपको पागल खाने, तो उसको क्यों? खसमा न खाओ, दफा हो। मेरी सेहत को क्या असर पड़ता है, जो करना है करो। लेकिन दूल्हा कहां से लाएगा? आसमान से टपकेगा या जमीन से प्रकट होगा, या फिर खुद तू बनेगा दूल्हा? क्यों नहीं, मैं बन जाऊंगा दूल्हा। क्या पवित्रवा सर्वावसांगतो पीवा यस्मत् पुंडरीकाक्षस्य बाह्याभ्यंतर शुचि। निशांत, निशांत आ गया। चलो चलो विघ्नेश। आई होप कि इस नाटक के बाद करीना के दिमाग से निशांत का भूत हमेशा के लिए उतर जाए। अब आप वधू का हाथ पकड़िए। करीना, करीना, ठीक हो? तनी में कैसे बेहोश हो गए? सॉरी बेबी, तुम परेशान हो गए होगे ना? बट डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। करते हैं, पहले चल के डिनर कर लेते हैं, फिर कमरे में चलेंगे। और वैसे आज हमारी सुहाग रात है। इसकी तैयारी भी तो करनी है। चले करीना जी, आपको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीना चलो, मैं तुम्हें कमरे में लेके जाती हूँ। थोड़ा आराम कर लेना है। चलो चलो आप भी जाओ और सो जाओ, क्योंकि अब मुझे अपने पति के साथ सुहाग रात मनाना है।